स्कूल जाने के ये क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? कैसे आप जितने टाइम में अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करते हो उतने टाइम में इस पूरी मूवी को बना लिया गया था। क्यों यहाँ पर बस पैंट्स शब्द को बोलने से आपसे लोग झगड़ने लगते हैं? और यूट्यूब के अलावा क्या इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल भी क्या कोई प्ले बटन देते हैं? और देते भी हैं तो वो दिखते कैसे? भाई वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को एक लाइक ठोकना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। नंबर 21, डांस करने से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। कई रिसर्च में पता चला है कि जो लोग डांस करते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम यानी कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाता है और वो लाइफ को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। नंबर 20, 1980 में पैंट्स वर्ड को बोलना बहुत ज्यादा गलत माना जाता था और कुछ जगह पर तो इस चीज को बिल्कुल गाली की तरह लिया जाता था। यानी अगर आप किसी के सामने पैंट्स बोलोगे तो वो ऑफेंड हो सकता है, पर आज ये एक कॉमन वर्ड। नंबर 19, डेजा वू तो आपने लाइफ में एक ना एक बार जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। यानी कि आप कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बिल्कुल यही चीज पहले भी हो चुकी है, लेकिन जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो डेजा वू को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपके साथ ज्यादा डेजा वू होगा। भाई वीडियो में मजा आ रहा है तो एक सेकंड पॉज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्टूबर से पहले करने हैं। नंबर 18, आपको अर्थ के क्रस्ट में इतना गोल्ड मिल जाएगा कि अगर उन सबको बाहर निकालोगे तो पूरा अर्थ गोल्ड के लेयर्स में छिप जाएगा और ये लेयर जमीन से लेकर घुटनों तक की लंबाई तक हो सकती है। भाई लगता है मुझे भी गोल्ड ढूंढने के लिए खुदाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। नंबर 17, 1980 में पूरी दुनिया में भूटान एक ऐसा लौता देश था जिसके पास अभी तक एक फोन भी नहीं था। और अगर देखा जाए तो बाकी कंट्रीज के मुकाबले अभी भी भूटान की GDP उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को सबसे खुश लोगों में से एक माना जाता है। नंबर 16, शाय लोगों के पास हमेशा टॉपिक की कमी होती है, लेकिन वो हमेशा सबसे बेस्ट रिप्लायर होते हैं। यानी कि वो अक्सर टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाते या फिर उन्हें कोई बात करने के लिए टॉपिक नहीं मिलता, लेकिन एक बार बात शुरू हो जाने के बाद वो काफी अच्छे रिप्लाई देते हैं। नंबर 15, अलग अलग कंट्रीज के कार के हॉर्न्स में भी काफी फर्क होता है। जैसे कि अमेरिका की जो कार की हॉर्न होती है वो ज्यादातर एफ की पर हॉन्क होती है, यानी हॉर्न का नोट एफ की के आसपास होता है। जैसे ये है अमेरिकन ट्रक का हॉर्न और ये है इंडियन ट्रक का हॉर्न। नंबर 14, इंसानों को एक्ने होता है ये बात सब जानते हैं, लेकिन चाइनीज क्रस्टर्ड नाम की एक डॉग ब्रीड है जो कि पूरी दुनिया में एक ऐसी लौती डॉग ब्रीड है जिसे एक्ने होता है। नंबर 13, किसी के आंख में बाल उगते हैं तो वो कितना अजीब लगेगा, लेकिन ये भी होता है। हनी भी जो होती है उनके आंखों पर सच में बाल उगते हैं। ये नॉर्मल जैसे बाल नहीं होते बल्कि थोड़े अलग होते हैं, पर हाँ बाल होते हैं। नंबर 12, जैक स्पैरो यानी कि हमारे जॉनी डेप क्लाउन से डरते हैं, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। उन्होंने कई इंटरव्यू में, यहाँ तक उनके कई खास दोस्तों ने भी कहा है कि ये क्लाउन से डेथली स्केयर्ड है, यानी कि अगर क्लाउन से उन्हें कोई डराएगा तो उनकी मौत तक हो सकती है। नंबर 11, एक आदमी 29 दिनों के लिए समुद्र में गुम गया था। सर्च टीम ने उसे ढूंढने की कई कोशिश की और आखिरकार वो मिल गया, और उसके बाद जब उसे इंटरव्यू लिया गया तो सोचिए उसने क्या कहा। वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था और उसने कहा कि मस्त मेरे को एक वेकेशन मिल गया था और रियलिटी से काफी मस्त ब्रेक मिल गया। नंबर 10, एक बार इस फोटो को देखो। अगर इस फोटो में आपको दो लोग गले लगते हुए दिख रहे हैं तो उसका मतलब है आपका ब्रेन लेफ्ट साइड से ज्यादा काम करता है, और अगर आपको डायनासोर दिख रहा है तो उसका मतलब आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जिसे कुत्ता दिख रहा है तो आप क्या ही कहना। वैसे आपको क्या दिखा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, भालू को आप एक मुक्के में भगा सकते हो लेकिन सिर्फ ब्लैक बियर को। दरअसल भालू के कई टाइप होते हैं, और अगर भालू कभी अटैक करे और अगर वो ब्राउन बियर है तो आपको मरने का नाटक करना चाहिए, क्योंकि ब्राउन बियर इंसानों से ताकतवर होता है। फिर अगर वो एक ब्लैक बियर हो तो आपको उसे बड़ा दिखने की कोशिश करनी है, और अगर वो ज्यादा पास आ जाए तो पूरी ताकत से उसके नाक पर मुक्का मार देना है तो वो डर के भाग जाएगा। नंबर 8, एक ट्रेन से आप पूरे रशिया को ट्रैवल कर सकते हो, पर इसके लिए आपको 7 दिन लगेंगे, और रशिया इतना ज्यादा बड़ा है कि आपको 11 अलग अलग टाइम जोन से गुजरना पड़ेगा। और ये बात भी नहीं भूल सकते कि इसमें आपको ऑलमोस्ट 4000 ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा। नंबर 7, नेपाल में बर्ड्स को खास तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि जब आप स्काई ग्लाइडिंग करने जाओ यानी कि इस तरीके से हवा में ग्लाइड करो तब बर्ड्स आपके साथ उड़ेंगे, इससे आपको थोड़ा सेफ फील होगा और ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ कोई कंपेनियन है। नंबर 6, वेंस वर्ल्ड नाम की एक अच्छी खासी पॉपुलर मूवी है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इस मूवी को 34 डेज के अंदर शूट करके कम्प्लीट कर दिया गया था। यानी इतने कम टाइम में मूवी बना पाना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 5, अफ्रीकन ग्रे पैरट नाम की पैरट बिना किसी फायदे के आपकी मदद करेंगे। इनको सबसे हेल्पफुल बर्ड में से कहा जाता है। ये कई छोटे मोटे बर्ड्स
यहाँ तक कि इंसानों की भी मदद करते हैं, और उसके बदले अगर आप इन्हें खाना देते हो तो ये आपके दोस्त भी बन सकते हैं। नंबर 4, एक बार इस क्यूट सी फोटो को देखो। इस फोटो में एक गिलहरी फ्लावर को स्मेल कर रही है और ये फोटो बहुत ज्यादा परफेक्ट टाइम पर लिया गया है। नंबर 3, पूरी दुनिया में पेंगुइन एक लौते ऐसे बर्ड है जो पानी के अंदर तो तैर सकते हैं, वो भी काफी डीप तक, लेकिन वो उड़ नहीं सकते, यानी कि लगभग सारे बर्ड्स इसके ऑपोजिट हैं। नंबर 2, स्कूल जाने के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर कहूँ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे बैग में कई सारे बुक्स भर कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैग उठाकर काफी ज्यादा चलना पड़ता है, और अगर उनका क्लास 3rd-4th फ्लोर पर है तो उससे बैग पहनकर काफी चढ़ना भी पड़ेगा, जो उसके बैग पर काफी ज्यादा बुरा असर डालता है और कई बार ये सीरियस इंजरी भी दे सकता है। उसी के साथ जिन बच्चों का स्कूल सुबह होता है, अक्सर उन्हें पेरेंट्स उन्हें हेल्दी खाना नहीं देते, बल्कि बाहर का कुछ खाना या फिर कम न्यूट्रिशन वाला खाना भर के दे देते हैं बस पेट भरने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये टाइम पर बच्चों को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और आखिर में बात करें तो स्कूल में बच्चे कई बार बुली भी होते हैं, जो कि उनके दिमाग पर काफी बुरा असर डाल सकता है। नंबर 1, आपको पता होगा यूट्यूब पर अगर आपके 100K, 1 मिलियन, 10 मिलियन या 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आपको प्ले बटन दिया जाता है, लेकिन क्या बिल्कुल इसी तरीके से गूगल, इंस्टा और फेसबुक में भी कुछ दिया जाता है? सबसे पहले बात करें गूगल की, तो कुछ वक्त पहले न्यूज में आया था कि किसी व्यक्ति को सबसे पहली वियर्ड चीज सर्च करने के लिए एक अवार्ड दिया गया था, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो न्यूज फेक थी। गूगल किसी को भी चीजें सर्च करने के लिए अवार्ड नहीं देता। और फिर इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ से तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि अगर आपका बहुत बड़ा पेज नहीं है तो इंस्टाग्राम से आपको पैसे भी नहीं मिलते। हाँ, लेकिन ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। और इसके बाद फेसबुक की बात करें तो यहाँ भी यूट्यूब की तरह कोई बड़ा सा अवार्ड या ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन सर्टेन माइलस्टोन हिट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट या कुछ ना कुछ खास चीजें दी जाती हैं, या फिर आपको किसी ना किसी चीज का पार्ट बनाया जाता है स्पेशल फील करवाने के लिए। भाई, ये आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स। आपने बचपन में ये शो शॉन द शिप बहुत बार देखा होगा और ये देखने में काफी एंटरटेनिंग लगता था, और इसके स्क्रिप्ट से लेकर इसकी कॉमेडी एकदम परफेक्ट थी, जो कि हमें उससे टाइम पर बहुत मजा दिलाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बनते कैसे थे? असल में ये जो आप देखते हो ये हमें लगता तो एनिमेटेड है, एनिमेटेड मतलब जैसे कि ये ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर में बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्ले और प्लास्टिक से बनाया गया है और इसे बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इनको ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम में पिक्चर्स लेने पड़ते हैं और उन सब फ्रेम्स को कंबाइन करना पड़ता है, और इसके बाद ये ऐसे जाके इस तरीके के एनिमेशन में बनते हैं, और इस टेक्निक को स्टॉप मोशन एनिमेशन भी कहा जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि आपको मरने वाले सपने बहुत कम आते होंगे, यानी जिस सपने में आप मर रहे हो ऐसे टाइप के सपने आपको बहुत कम आते होंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने कोई नई हॉबी अडॉप्ट कर ली है। भाई, ये तो आपने जान लिया, पर क्या आप ये जानते हैं कि कौन सा बिस्किट चाय में डुबाने के बाद सबसे ज्यादा देर तक टिकता है? शॉपिंग मॉल्स में आप जो मिरर्स देखते हो उनकी सच्चाई जानकर आप शॉपिंग मॉल्स में जाना ही बंद कर दोगे। और 2 महीने कंटिन्यू गाजर खाने से ऐसा क्या होता है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा? भाई, ये वीडियो तो बहुत मजेदार है, तो इसे अभी दबाओ, और अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।